गर्मियों में सही मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपकी स्किन को चिपचिपा भी ना बनाए और एकदम सही से काम भी करे। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर बताऊंगी ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज ड्राई स्किन के लिए बताओ गर्मियों में मॉइस्चराइजर। तो आज की वीडियो है ड्राई स्किन वालों के लिए, तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला मॉइस्चराइजर जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर। बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, इजीली मेल्ट हो जाता है एंड बजट फ्रेंडली है। अगर आपकी स्किन वैसी ही ना कि हर 3 घंटे बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ना, आपको फिर से लगाना पड़ता है, तो ये मॉइस्चराइजर आपके लिए। सेम रीजन की वजह से मैंने अपनी मम्मी के लिए भी यही मॉइस्चराइजर मंगाया, क्योंकि हर 3 घंटे बाद उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उन्हें फिर से मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। तो ये मॉइस्चराइजर आपके लिए बिल्कुल सॉर्टेड। इसी को नेक्स्ट मॉइस्चराइजर जो सालों से सबके घर में मिलते आ रहा है वो ये निविया का मॉइस्चराइजर। इसका क्रीमी एंड थिक टेक्सचर है एंड ये उन लोगों को यूज करना चाहिए जिनकी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। निविया के तो सारे प्रोडक्ट्स ट्रस्टेबल होते हैं, ठंडियों में तो सबसे पहले इन्हीं का मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। तो अगर आपकी एकदम ज्यादा ड्राई स्किन है ना, तो आपको ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट मॉइस्चराइजर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। बेस्ट पार्ट मुझे इस मॉइस्चराइजर की क्या लगी पता है, क्योंकि ये मेरी कजिन यूज करती है तो मैं इसके साथ 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ, कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है और ये एकदम लाइट वेट है। सुपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अगर आपको वैसा मॉइस्चराइजर चाहिए जिसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस ना हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। तीनों बेस्ट है एंड अफोर्डेबल है। तो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, इसके बाद जाके चेक कर लें। एंड और किसी में भी वीडियोस चाहिए ना तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगी उस पर भी वीडियोस बनाने का।